को 500,000 किलोमीटर और जाना है सर, हमें मिल गया। कहते हैं कि गाड़ी साफ कर देते हैं, और सर ने गाड़ी ऐसा साफ कर दिया। अभी क्या कर सकता है, अभी इन्होंने मेहनत कर दिया तो इनको कुछ पैसा चाहिए होगा। गाड़ी ऐसा चकाचक हो गए हैं नी, ठीक है, कोई बात नहीं है। वेलकम टू नर्मदा ब्रिज टोल प्लाजा। You want some water? That guy will give you. I will give you his contact number. Please take water only from him. Because नहीं तो आप प्यास से भी मर सकते हो। 5 घंटे और हैं, 363 मिनट और 11 बजे हम लोग पहुँचेंगे अपने मंजिल तक। ये जो नर्मदा ब्रिज है, इसका रोड बहुत ही ज़बरदस्त है, जिसमें मैं लेफ्ट साइड लेके भगाता हूँ गाड़ी को। पिछले बार अहमदाबाद जब आए थे तो भगा के टर्न लिया एक जगह जहाँ पहुँचना था, और ब्रेकर में 120 के स्पीड में उड़ा दिया था। और नशरीन ऐसे, एक तो बेचारी ऐसे ही बुढ़ी है, और उसको मतलब, और उस झटके के बाद मतलब उसी बस लाइक ऑलमोस्ट मौत को ऐसा छू के वापस आ गई थी। क्या बोलते हैं एनसरीन? और देखो उधर पीछे पूजा है, वो पूजा की तैयारी कर रही है। बताएगा क्या? अरे बकलू कहाँ दे रहा है? अरे भाई, अरे भाई, करियन वाले ने तो हमको ट्रेन में घुसा दिया। So this is, this is the horn, okay, please lane. Now you will find lots of horn, okay, please. Now this is the Narmada Toll Plaza lane in Edwood. इसमें मतलब हमें लगता है आज तक हमने ज़िंदगी में जितना ट्रक नहीं देखा था वो सारे ट्रक आज हमने देख लिया। और सबसे बड़ी बात है ट्रक हमारे आगे आके खड़े हो जाते हैं। जी हाँ, और उनसे आप साइड निकलना चाहें तो नहीं हो सकता है। तो आज का दिन कुछ ऐसा रह रहा है। एक छोटा सा बस मोरल ऑफ द स्टोरी देना चाहूँगा कि दादा देखो, 8:30 बजे जर्नी शुरू हुई थी, अभी 12 घंटे भी नहीं हुई है। तो 8:30 बजे जर्नी शुरू ना करें, 5 बजे अगर आप सुबह जर्नी शुरू करते हैं तो आप जो है 5 बजे तक अपने मंजिल तक भी पहुंच सकते हैं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, इफ़ यू वेक अप लेट व्हाट हैपेंस, यू हैव टू वेट इन द टेरिफिक विच इज़ ट्रैफिक, और यू कैन से ट्रैफिक विच इज़ टेरिफिक। So this is the Narmada Bridge. It's similar to like the sea link. No, the sea link is very, very tall. Tall. It's so similar. It can't be near as well. Forget about the similar. शूट करके दिखा सकते हैं। वेरी वेरी सिंपल थिंग। तो भाई बात कुछ ऐसी हुई कि
एक तरफ है मनुष्य और दूसरी तरफ है मशीन, दोनों एम से ही शुरू होती है, और एक तरफ है मनी, ये तीनों एम से शुरू होती है। अब एक तरफ है महादेव, ये चारों एम से शुरू होते हैं। आप किन को चुनोगे? किसी दो को चुनना अगर होगा, ऑब्वियसली हम महादेव और मनी को चुन लेंगे। सो जोक्स अपार्ट, आई जस्ट वांट टू अपडेट यू कि व्हेन यू आर ट्रैवलिंग जस्ट फॉलो द गूगल मैप, बिकॉज आई हैव बीन ट्रैवलिंग इंडिया अक्रॉस द इंडिया, तो कभी भी नेवर गेट कंफ्यूज्ड हियर एंड देयर। अभी जैसे एक मैं प्राइवेट प्रॉपर्टी रोड में अभी चल रहा हूँ, किसी कंपनी का ये साइट है, देख लो पूरा एंटायर साइट, वो सिक्योरिटी गार्ड जो है अंदर घुसने नहीं दे रहा था, उनका कहना था कि ये रास्ता नहीं, ऐसे घूम के, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर तब जाने दीजिए। अभी गूगल मैप शो कर रहा है, इसका मतलब रास्ता तो है, और देखो लोग जा रहे हैं। तो जस्ट आई विल सजेस्ट कि फॉलो, 99% केस में, 98% केस में गूगल जो है गलत नहीं करता है, 1% केस में गूगल बस थोड़ा सा आपके रास्ता को लेंदी बना सकता है। लेकिन देखो किस तरीके से इसने मुझे ऐसे उबड़ खाबड़ रास्ते से ला के ये इतने ज़बरदस्त हाईवे में जोड़ दिया, एंड विच इज़ लाइक टू ब्यूटीफुल, जिसमें कि मैं अभी 500 का स्पीड नहीं चला सकता हूँ क्योंकि 100-120 का लिमिट है। आई एम ग्लैड 120 का है। ईस्टर्न एक्सप्रेस पुणे वाला इज़ सो, मतलब वी कैन गो ओनली 100, तो चलो कोई बात नहीं, इसमें मैं 120 से ज़्यादा चला सकता हूँ। नहीं, कैमरा मुझे दिखाता हूँ, लुक एट दिस वेरी ब्यूटीफुल यू नो थिंगी, एंड वहाँ पे आप कैमरा देखिए, इसको कैमरा कहते हैं, सी कहते हैं, कैमरा मतलब सी, सी से और भी बहुत चीज़ होते हैं, तो ये कैमरा एक्चुअली सी ही है हम जैसे लोग के लिए। लेकिन लुक एट दिस ब्यूटीफुल रोड, वाओ वाओ, दिस इज टू गुड। मॉरल ऑफ द स्टोरी, जस्ट फॉलो गूगल मैप आँख बंद करके। सो हर एक हाईवे का एक स्पीड लिमिट रहता है। मैंने जो है नागपुर मुंबई वाला जो हाईवे है तब नया बना था, तो उस पर 240-260 चला लिया। आई हैव रिकॉर्डेड वीडियो जिसमें कि स्पीडोमीटर आप देख सकते हैं। लेकिन एज ए वन ऑफ द बेस्ट फीचर ऑफ द BMW इज द लिमिट मोड, जिसमें कि यू कैन सिंपली लॉक, यू कैन सी द ग्रीन लाइट ओवर देयर एंड द लिमिट इज रिफ्लेक्टिंग। तो जब भी आप किसी हाईवे, अभी मैं वडोदरा मुंबई हाईवे पे हूँ, सॉरी एक्सप्रेस वे पे हूँ, एंड 120 इसका स्पीड लिमिट है। सो दिस इज़ वेरी कूल कि यू जस्ट हैव टू सेट द लिमिट एंड योर कार इज वेरी मच एट द ई स्टेट, और आप देखो इस तरीके से आप यू नो यू जस्ट एंजॉय थिंग्स एंड विच इज़ सो कूल। डू नॉट क्रॉस यू नो द लिमिट बिकॉज यू कैन सी द कैमराज, ये एक एक किलोमीटर के अंदर ही कुछ मीटर्स पे ये देख लो ये खंबे के ऊपर कैमराज रहता है, तो डू नॉट ट्राई टू क्रॉस, एंड यू कैन क्रॉस इफ़ यू हैव द फंड्स, दे विल चार्ज यू 2000 पर लिमिट क्रॉस। तो जैसे अभी मैं ये जो छोटा सा आपको एक क्लिप दिखा रहा हूँ, अभी इतने ही देर में आपको दो खम्भे दिख गए, एक और दूर में हमें दिख रहा है, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैं आपको 0.5x में दिखा रहा हूँ, और दिस इज़ द 2x। नाउ यू कैन सी द स्पीडोमीटर एंड अनदर थिंगी, एंड सो यो डू कम टू दिस हाईवे एंड जस्ट एन्जॉय, दिस इज़ सो मच फन। एंड अभी मैं 120 पे फिक्स हूँ, यू कैन सी कुछ भी हिल नहीं रहा है, लिमिट एकदम। ये हाईवे को इसी तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया है कि गाड़ी की मीटर जो है, मतलब आप बस क्रूज मोड में डाल दो और छोड़ दो, गाड़ी खुद चल रही है, आप बस स्टेयरिंग का ध्यान रखो, एंड दिस इज सो मच फन, सो नाइस। 318 किलोमीटर्स बाकी है, वी आर रीचिंग अंबाजी माता शक्तिपीठ, और आज महाशिवरात्रि है। हमारे में कहा गया है बाबा बाबा सब कहे, मैया कहे न कोई, बाबा के दरबार में जो मैया कहे सो है। तो महाशिवरात्रि के दिन माता जी के चरणों में उनसे कुछ नम्र निवेदन करते हुए, और देखो इस तरीके से लाइटिंग, अभी जस्ट लाइट्स आया, लुक एट द लवली व्यू, एंड आई होप यू एंजॉय, जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी, इट्स सो अमेजिंग। आई विल गिव यू अ ग्लिम्स थोड़ा और दूर से, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक इट सो डोंट डू एनीथिंग, जस्ट सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, एंड बवाल मचाने का नहीं रे बाबा, और क्या चाहिए आपने, तो अपन क्या बोलेगा, अपन बोलेगा तू ही तो मुझे फिर और क्या चाहिए, मेरे को और बहुत सारे लोग चाहिए शेयर करने का।
crazy.